नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं, अब तक के अंतरिक्ष की खोज और उसके विज्ञान से जो हमें पता चल पाया था कि हमारी मिल्की वे, आकाशगंगा या कई और आकाशगंगाओं का जन्म बिग बैंग के होने के कई अरबों साल बाद शुरू हुआ था। पर हाल ही में अब तक की सबसे उन्नत जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें 6 ऐसी रहस्यमयी आकाश गंगाओं की तस्वीरें भेजी हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए हैं। ऐसा क्या है इन तस्वीरों में देखने में? तो यह आपको किसी अन्य आकाश गंगा की तस्वीरों की तरह साधारण लगेगी, फिर भी क्यों है सब इतने हैरान इन तस्वीरों को देखकर? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, ताकि हमें और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिल सके। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। इस वीडियो की असल कहानी को समझने से पहले आइए जान लेते हैं थोड़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे मुख्य रूप से इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इसका बेहतरीन इंफ्रारेड रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले बहुत पुरानी और बहुत दूरी की धुंधली वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। इसकी मदद से सबसे पुराने सितारों का अवलोकन और पहली आकाश गंगाओं का निर्माण और संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट के विस्तृत वायुमंडलीय लक्षण के वर्णन में काफी सहायता मिली है। हाल ही में इस नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं को स्पॉट किया है, जो बिग बैंग के तुरंत बाद उभरी हैं। एक स्टडी में कहा गया है कि ब्रह्मांड हमारी मौजूदा सोच से काफी अलग स्तर पर विकसित हो रहा है। इससे वैज्ञानिक भी हैरान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल 2022 से अब तक नासा के टेलीस्कोप ने आउटर स्पेस की कई हैरतअंगेज फोटो खींची है। अब हम स्पेस में पहले से कहीं ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पहले नहीं पहुंच पाए थे। अपनी ताजा खोज में जेम्स टेलीस्कोप ने 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद 500 से 700 मिलियन साल के बीच की आकाश गंगाओं की पहचान की है। यानी इन आकाश गंगाओं का जन्म हमारी मिल्की वे आकाश गंगा या फिर कोई और अन्य आकाश गंगाओं के जन्म से भी कई अरबों साल पहले ही हो गया था, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तक के अंतरिक्ष की खोज और विज्ञान के हिसाब से तो इन आकाश गंगाओं का तो अस्तित्व भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। तो क्या फिर अंतरिक्ष के विज्ञान को दोबारा लिखना होगा? नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वेब टेलीस्कोप के NIR कैम ने आकाश में इन 6 आकाश गंगाओं को स्पॉट किया है। ये उपकरण इंफ्रारेड वेवलेंथ पर काम करता है। गैलेक्सी में हो सकते हैं कई तारे। अध्ययन के एक लेखक इवो लैब्बे ने नए खोजे गए गैलेक्सी को फिलहाल कैंडिडेट गैलेक्सीज नाम दिया है। इनके खोजों को अभी दूसरे मापदंडों से कंफर्म करने की जरूरत है। माना जाता है कि एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ऐसे में ये नई खोज अपने आप में एक मिल्की वे की तरह हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता लैब्बे का कहना है कि हमारी आकाश गंगा ने ब्रह्मांड में पूरा जीवन अपने सभी सितारों को इकट्ठा करने में लगा दिया। इस यंग आकाश गंगा को तारे इकट्ठा करने में केवल 700 मिलियन साल लगे और समान वृद्धि हासिल करने के लिए, यानी कि मिल्की वे की तुलना में, लगभग 20 गुना तेजी से इसका विकास हुआ। आकार में बड़ी है नई गैलेक्सी। लैब्बे का कहना है कि थ्योरी के मुताबिक शुरुआती समय में आकाश गंगाएं बहुत छोटी होती हैं, शुरुआत से धीरे धीरे बढ़ती हैं। ऐसे में नई आकाश गंगाओं के 10 से 100 गुना छोटे होने की उम्मीद थी, लेकिन इन आकाश गंगाओं का आकार वास्तव में काफी बड़ा है। फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा आयोग के एक खगोल वैज्ञानिक डेविड एल्बाज ने कहा कि नई खोजी गई आकाश गंगाएं संकेत दे सकती हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में चीजें पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैलती होगी, जिससे सितारों को और अच्छे से बनने में मदद मिली होगी। इन आकाश गंगाओं पर अभी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। देखते हैं आगे इनके बारे में क्या जानकारी निकलती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं
कुछ और अन्य जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आश्चर्यचकित करने वाली खोजों के बारे में। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक और कमाल खींची अंतरिक्ष के खंबे की सबसे साफ तस्वीर, बनते दिखे सितारे। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों में पिलर्स ऑफ क्रिएशन की फोटो अक्टूबर 2022 में खींची थी। ये अब तक की सबसे साफ फोटो है। इस फोटो में धूल और गैस के स्तंभ के पीछे तारे दिख रहे हैं। 9 साल पहले भी हबल टेलीस्कोप ने भी इनकी तस्वीर को खींचा था, जो कि इतनी साफ नहीं थी। पिलर्स ऑफ क्रिएशन अंतरिक्ष में तारों के बीच धूल और गैस के टावर हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये काफी हद तक पारदर्शी दिख रहा है। इस तस्वीर में पिलर्स ऑफ क्रिएशन की मोटाई और उनकी मौजूदगी दिख रही है। ये संरचना ईगल नेबुला के अंदर है, जो पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा के हबल टेलीस्कोप ने पहली बार 1995 में पिलर्स ऑफ क्रिएशन को देखा था। ये 3D स्तंभ देखने में किसी पत्थर की संरचना की तरह दिखते हैं। ये पिलर्स ठंडी अंतरतारकीय गैस और धूल से बने होते हैं। ये एक तारे की बनने की प्रक्रिया है। नासा के मुताबिक, जब धूल और गैस के खंभों के भीतर पर्याप्त द्रव्यमान के साथ गांठें बनती हैं, तो वे अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर ढहने लगती हैं। इस वजह से गैस धीरे धीरे गर्म होती है, जिससे नए तारे बनते हैं। तस्वीर में दिखे सितारे। इस तस्वीर के कुछ किनारों पर लाल रंग दिख रहा है। नासा के मुताबिक, यहां सितारे में ताकत आने लगी है और धीरे धीरे अपनी चमक दिखा रहा है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन के पीछे से तारों की भरमार है। इसमें दूर तक कोई भी आकाशगंगा नहीं दिखाई दे रही है। नासा ने कहा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में धूल और गैस के बादल हैं, लेकिन टेलीस्कोप को वह गहरे अंतरिक्ष में देखने से रोक देते हैं, जबकि पिलर्स ऑफ क्रिएशन में ऐसा नहीं हो रहा है। दोबारा क्यों खींची गई फोटो? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। वैज्ञानिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन को लेकर अपनी समझ को बेहतर कर सकें, इसलिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हबल टेलीस्कोप की फोटो वैज्ञानिकों के काम की रही, लेकिन उससे जेम्स वेब की तरह बेहतर रिजल्ट नहीं मिला था। नासा ने कहा कि जेम्स वेब की नई तस्वीर शोधकर्ताओं को सितारों के गठन के अपने मॉडल को सुधारने में मदद करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मिले नए बेबी तारे। जुड़वां स्टार्स की चमक देख वैज्ञानिक हैरान। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बच्चा तारों की तस्वीर ली है। ये अभी बन ही रहे हैं। इनके चारों तरफ कई रंगों की रोशनी का विस्फोट देखा गया है। इन तारों को नाम दिया गया है हर्बिघारो 46 व 47। इसकी तस्वीर जब वैज्ञानिकों को मिली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यहां जुड़वा तारों का जन्म हो रहा है। इस अद्भुत दुर्लभ नजारे को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैद किया। जब यह फोटो धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को मिली तो वो हैरान रह गए। इनके जन्म से निकलने वाला विस्फोट कम समय के लिए था, लेकिन जेम्स वेब ने उसे कैद कर लिया। ऐसे विस्फोट और तारों को हर्बिघारो 46 अव 47 कहा जाता है। ये हमारे आकाशगंगा के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक होते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। हर्बिघारो के बनने के लिए उपयुक्त माहौल का होना जरूरी है। इस समय इन बेबी स्टार्स को प्रोटोस्टार भी कहते हैं। प्रोटोस्टार बेहद घने गैस और धूल के जुड़ने से बनते हैं। ये धूल और गैस अपनी ही ग्रेविटी की वजह से टूट जाते हैं और तेजी से घूमते हैं। ये जब घूमते हैं तब आसपास से बहुत सारी चीजों को खींचते हैं, जो जुड़कर तारा बनाते हैं। उनके चारों तरफ बादलों का घेरा रहता है। ये बादल अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे ही और वीडियो को देखना क्या पसंद करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी जानकारी वाली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देखें हमारी और ऐसे ही रोमांचक वीडियोज़।